जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नवली 19.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है। प्रश्न कहता है, निम्नांकित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न पहला दिया गया है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। जो नीचे का भाग है इसे कहते हैं आधार, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी रखा है इसे कहते हैं ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज की आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे, आधार बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें पूछ रखा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आधार गुने ऊंचाई, कि आधार की ऊंचाई से गुना कर दीजिए, आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आधार कितना दे रखा है 8 और ऊंचाई दे रखा है 5, तो 8 की गुना 5 से कर देंगे, 8 × 5 = 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है जिसमें आधार 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो पहले लिख लेना है, आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार तो 3 दे रखा था और ऊंचाई 6 दे रखा था, तो 3 × 6 होगा, 6 × 3 = 18, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न दे रखा है जिसमें समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमें लिखना है, आधार बराबर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो 6 × 4 कर देंगे, 6 × 6 = 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है जिसमें से आप देखिए, जो इधर है इसे हम लोग मान लेते हैं आधार, तो आधार 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे, आधार बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार 4 है, ऊंचाई 5 है, तो 4 × 5 होगा, 4 × 5 = 20, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न दे रखा है जिसमें से आधार 7.6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, आधार बराबर 7.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 4.8 सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे आधार है 7.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4.8 सेंटीमीटर, तो 7.6 की गुना 4.8 से होगी, गुना करने पर आएगा यहाँ पे 36.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है जिसमें से समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई 7.6 सेंटीमीटर है और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2.6 सेंटीमीटर है। तो लिख लेंगे, आधार बराबर 7.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 2.6 सेंटीमीटर। नीचे लिखना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार था 7.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई था 2.6 सेंटीमीटर, तो 7.6 की गुना 2.6 से होगी, गुना करने पर आएगा 19.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे यही उत्तर होगा। कितना होगा 19.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 में दे रखा है बच्चों, निम्नांकित त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज क्या होते हैं, यहाँ पे हम त्रिभुज को समझ लेते हैं। जैसे यह एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के यदि हम विकर्णों को यहाँ से यहाँ मिला दें तो यहाँ पे 2 त्रिभुज प्राप्त होंगे, यानी 2 त्रिभुजों को हम मिलाते हैं तो एक चतुर्भुज बनता है,
ठीक है, तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है वो चतुर्भुज का आधा होता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद ना करना पड़े। जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो त्रिभुज है वो चतुर्भुज का आधा होता है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आधार गुने ऊंचाई, और यहाँ पे त्रिभुज चतुर्भुज का आधा है इसीलिए 1/2 हम लोग पहले लगा देते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है जिसमें त्रिभुज की यहाँ पे आधार है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। तो लिख लेंगे आधार बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। 1/2 का 1/2 लिखिए, आधार आधार कितना है 4 है तो गुना 4 देंगे, ऊंचाई ऊंचाई कितना है 3 है तो गुना 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अंश में है 1 × 4 × 3 और हर में 2 है, 2 का पहाड़ा में 4 आता है तो 2 से 4 को काट लेंगे, 2 × 4। अब ऊपर बचा 1 × 2 × 3, 1 × 2 से करेंगे तो 2 और 2 × 3 = 6, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। दूसरा प्रश्न में दे रखा है जिसमें त्रिभुज का जो आधार है वो 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे आधार बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। फिर नीचे लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 का 1/2 लिखेंगे, आधार दे रखा है 4 तो गुना 4 लिखेंगे, ऊंचाई दे रखा है 2 तो गुना 2 लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा हम 2 एक बार में कट जाएगा, 4 की गुना 1 से करेंगे तो 4, यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में यहाँ पे दे रखा है आप इसमें से किसी एक को आप आधार ऊंचाई मान सकते हो। मैं मान रहा हूँ यहाँ पे आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। 1/2 का 1/2 लिखेंगे, आधार दे रखा है 12 तो गुना 12 लिखेंगे, ऊंचाई दे रखा है 8 तो गुना 8 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा में यहाँ पे 12 कट जाएगा 6 बार में, 2 × 6 = 12, 6 की गुना 8 से करेंगे तो 6 × 8 = 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रश्न संख्या 3 के त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसे मिटा रहा हूँ, यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 को करेंगे। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है जिसमें से त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे यहाँ पे आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 का 1/2, आधार दे रखा था 3 सेंटीमीटर तो 3 लिख देंगे, ऊंचाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर तो गुना 2 लिख देंगे। 2 का पहाड़ा 2 एक बार में, 3 × 3 = 3, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। नोट किया बच्चा आपने? ठीक है, अब अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 5 जिसमें त्रिभुज का जो आधार है वो 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे आधार बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर नीचे लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 का 1/2 लिखेंगे, आधार दे रखा है 6 सेंटीमीटर तो गुना 6 लिखेंगे, ऊंचाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर तो गुना 3 लिखेंगे। 2 का पहाड़ हम 6 कट जाएगा 3 बार में, 2 × 6 = 6, 3 की गुना 3 से करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है त्रिभुज का आधार 1.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे यहाँ पे आधार बराबर 1.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। फिर लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 का 1/2 लिखेंगे, आधार यहाँ है 1.5 तो 1.5 लिखेंगे, ऊंचाई यहाँ पे 4.5 है तो गुना 4.5 लिखेंगे।
अब यहाँ पे जब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा, तो यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। अब यहाँ पे इन दोनों को काट लेते हैं 5 का पहाड़ा से, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, फिर 45 और 10 ये भी 5 का पहाड़ा से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, ऊपर गुना करते हैं 3 9 27, और नीचे गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 27/8 आया। इसे आप हल कीजिएगा तो दशमलव रूप में होगा 3.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3.375 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7वां यहाँ दे रखा है। त्रिभुज का यहाँ पे आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 7वां के लिए आधार बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर, ये हम लिख लेंगे। अब आगे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × आधार × ऊंचाई। 1/2 का 1/2 लिखेंगे, आधार यहाँ 8 है तो गुना 8 लिखेंगे, ऊंचाई यहाँ 6 है तो गुना 6 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा 8 कट जाएगा 4 बार में, 4 की गुना 6 से करेंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रश्न संख्या 7वें का उत्तर होगा। 8वां प्रश्न दे रखा है जिसमें से आधार की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 8वां के लिए आधार बराबर 6.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 5.2 सेंटीमीटर, फिर नीचे लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × आधार × ऊंचाई। 1/2 का 1/2 लिखेंगे, आधार की माप यहाँ 6.4 था तो 6.4 लिखेंगे, ऊंचाई यहाँ पे 5.2 है तो 5.2 लिखेंगे। अब यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। अब इसे हम लोग छोटा कर लेते हैं, 2 का पहाड़ा में यहाँ काट लेते हैं 64 को, या फिर 2 का पहाड़ा में 52 को काट लेते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 26 बार में 52 कट गया, 26 की गुना 64 से कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 1664। ठीक है, और नीचे में 10 की गुना 10 से करेंगे तो होगा 100, क्या हो जाएगा बच्चा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1664 को 100 से भाग दीजिएगा तो आएगा 16.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक जीरो छूट गया है, यहाँ पे एक जीरो और यहाँ से लगा दीजिएगा। ठीक है, 1664/100 होगा, भाग करने पर आएगा 16.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो प्रश्न है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।